15 दिन से ये पूरा कचरा भरे ना सबके घरों में, सबके पानी जा रहा, मोरी से सब इतना कचरा भर दिए हैं। कोई देखने वाला है ही नहीं। इधर एक जावेद नगर सेवक, माजी नगर सेवक, अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। नाला सफाई का कचरा ना उठने से घरों में घुस रहा नाले का गंदा पानी। भिवंडी शहर महानगर पालिका द्वारा हर साल नाला सफाई के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है कि जिससे शहर में साफ सफाई बनी रहे और आम जनता को किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। भिवंडी महानगर पालिका अजय वैद खुद मानसून से पहले शहर के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई को लेकर अपने दल बल के साथ मैदान में झाड़ू डंडा लेकर उतर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भिवंडी शहर में 3 से 4 दिन की बारिश में शहर डूबता नजर आता है और जनता बस भिवंडी महानगर पालिका की लापरवाही को दूर से देखती नजर आती है और अपने घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसने से रोक नहीं पाती। भिवंडी शहर में नाला सफाई ठीक से ना होने के कारण रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने भिवंडी शहर के अलग इलाकों और घरों में जल जमा हो गया। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा हर साल नाला सफाई के आंकड़े जारी किया जाता था, कितना प्रतिशत नाले की सफाई हो चुकी है, लेकिन इस साल अभी तक नाला सफाई के आंकड़े सामने नहीं आए हैं। जिस तरह से मानसून ने दस्तक दी है, अगर सचमुच नाला सफाई ठीक से नहीं हुई तो इस साल भिवंडी का इलाका ही नहीं डूबेगा, पूरी की पूरी भिवंडी डूब जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी भिवंडी मनपा में बैठे प्रशासनिक अधिकारी नाला सफाई ठेकेदार की होगी। 15 दिन से ये पूरा कचरा भर रहा सबके घरों में, सबके पानी जा रहा, मोरी से सब इतना कचरा भर दिए हैं इधर। ये कब से पड़ा है? 15 दिन के ऊपर हो गया। कौन डलवाया था कचरा? अरे कचरा जो साफ करा रहे हैं, गटर वाले काउंसलर जा रहे हैं, काउंसलर वहां साफ करा रहे हैं, वो डाले यहां पे। क्या मालूम वो कौन है कौन नहीं, वो जो कचरा वहां कचरा साफ करने वाले लाते हैं। बोलो बोलो।